आदमी पार्टी के नजरिए से अगर हम देखें तो नतीजे अभी मतलब बड़ा ही नेक टू नेक चल रहा है। मैं एक तरफा नहीं कहूंगी कि 33 बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की 30, लेकिन अभी तक नेक टू नेक का मामला चल रहा है। अंजना जी, लगता है कि एमसीडी का डिलिमिटेशन हुआ, एमसीडी चुनाव को डिले किया गया भाजपा द्वारा, 7 CM लेके आए, 17 कैबिनेट मिनिस्टर लेके आए, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसका फायदा भाजपा को गया हो। ऐसा आप मान रही हैं कि हो सकता है कि जो मुख्यमंत्रियों के स्टार कैंडिडेट्स यहाँ पर आए कैंपेन करने के लिए, और जो यहाँ और वहाँ पीएम मोदी, देखिए पीएम मोदी खुद चुनाव लड़ते हैं, हर जगह जब जाते हैं भाजपा उन्हीं के चेहरे को आगे रखती है। चुनाव में भी मोदी की फोटो, मोदी जी की बात, विनोद जी अरुण केजरीवाल हर जगह चुनाव लड़ते हैं, नहीं ऐसा नहीं, पीएम मोदी का हर जगह, सिर्फ उनके पास और लीडर सेकंड रैंक लीडर्स नहीं है, दिल्ली भाजपा में भी, गुजरात पंजाब नहीं, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के आपने अरविंद केजरीवाल की फोटो नहीं लगाई। नहीं आप समझे नहीं, हम कह रहे हैं कि सेकंड रैंक लीडर्स तो है ही नहीं ना मोदी जी के चेहरे के अलावा, नेशनल इश्यूज के अलावा मुद्दों की राजनीति उन्होंने की नहीं ना। शाह को क्या मानती है अंजना जी, एमसीडी में पूरा प्रचार मोदी जी, योगी आदित्यनाथ, मोदी जी का आप ही ने कहा, वही लोग 7 मुख्यमंत्री उतारे, इतना बड़ा चुनाव था तो ठीक है, कहीं ना कहीं हम तो फिर भी उनके अगेंस्ट भी, हम तो छोटी पार्टी है कंपैरेटिवली, उनके अगेंस्ट भी हम टक्कर दे रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी हम जीत रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिसके पास जितनी ताकत उतनी उतारता है, आपके पास जितनी ताकत थी आपने पूरी उतारी, उनके पास जितनी ताकत उन्होंने उतारी, ये तो ट्रेंड वही है। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, पर मुद्दों की राजनीति भाजपा नहीं करती, इस बात से आपको मुझे सहमत होना पड़ेगा। एमसीडी में भी नेशनल मुद्दे थे, एमसीडी में भी मोदी जी के नाम से चुनाव था, 2 दिन पहले तक क्योंकि रुझान हमारे फेवर में आ रहे थे तो कहा जा रहा था कि आदेश गुप्ता जी पे ठीकरा फोड़ा जाएगा, आज नेक टू नेक दिख रहा है तो हम ये बात दोबारा कर रहे हैं, तो देखते हैं एंड आने तक क्या होता है। लेकिन फिलहाल देखिए जल्दी से बता दें, 73 सीटों के नतीजे जो हैं वो घोषित हो चुके हैं, बीजेपी अभी 33 और आम आदमी पार्टी अब फिलहाल विनोद जी नतीजों में भी 1 सीट आगे 34 पे पहुंची आम आदमी पार्टी। रुझान जिस तरह के हैं तो दायर, जब रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं तो उसी तरह से नतीजे भी आएंगे, लेकिन मैं वही बार कह रहा हूँ कि इस बार जो रुझान के बाद जो नतीजे तब्दील होंगे, जैसा कि अब लगता है सेटल से हो गए हैं, मतलब स्थितियां जो है जो 2-4 सीट आगे पीछे होगा, लेकिन विपक्ष इस बार एमसीडी में मजबूत रहेगा, पिछली बार इतना मजबूत नहीं था, आम आदमी पार्टी के पास 3 सीटें, कांग्रेस पास भी थी, अभी लेकिन सारे नतीजे आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। मनोज तिवारी, क्योंकि वो चेहरा एक तरह से इन चुनाव में बनाए गए थे बीजेपी की तरफ से पूर्वांचलियों को रिझाने के लिए, कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि जो आंधी की बात कर रहे थे वो तो हुआ नहीं, अब हिमांशु हमारे सहयोगी ने बात की है मनोज तिवारी से, सुनिए। मनोज तिवारी, मनोज जी आज एमसीडी के जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी के अपेक्षा अनुसार नहीं है, जिस तरीके से 2017 में विक्ट्री मिली इस बार उस तरीके के नतीजे देखने को नहीं मिल रहे, आम आदमी पार्टी को बढ़त है। देखिए आम आदमी पार्टी की तो नैतिक रूप से हार हो चुकी है, जिस प्रकार से उनका दावा था, जैसा वो इसको बताते थे कि हम 225 सीट लाएंगे, नैतिक हार है तो आपकी कौन सी वही नहीं, हमारी तो चौथी बार हम इसमें आने जा रहे हैं, तो चौथी बार आने के बाद भी इतना समर्थन दिल्ली का एक बहुत बड़ा नैतिक जीत है, इसको कैसे भूल सकते हैं। आपको लगता है कि आप एमसीडी के अंदर एक बार फिर से कब्जे में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कब्जा शब्द हमारे यहाँ नहीं है, हमने दिल्ली का दिल जीता है, चुनाव भी जीतने जा रहे हैं, मेयर हमारा बन जाएगा, लेकिन वो 135 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जितनी जीत की रिजल्ट आ चुकी है उसमें उनसे हम अभी 8 आगे चल रहे हैं। कुछ कमियां और खामियां रह गई आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के उसमें? वो हम समीक्षा करेंगे, वो हमारी बात की बात है, लेकिन वर्तमान में हमारा मेयर बन जाएगा। चलिए, ये थे मनोज तिवारी जिनका ये कहना है कि वर्तमान में हमारा मेयर एक बार फिर से बनेगा।